मेरे जैसे या हमारे जैसे कितने सारे इंटरनेशनल लोग रहते हैं यहाँ। नमस्कार, बोनजूर एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए है जो अपने फ्रेंच स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क ऑथराइजेशन या फिर रिन्यूअल के प्रोसेस में अटके हुए हैं और उनको कोई भी तरह की डेट नहीं मिल रही है प्रीफेक्चर से। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो फ्रांस आने वाले हैं और जो यहाँ ऑलरेडी हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें सभी को पता होगा कि काफ़ी सारे प्रीफेक्चर्स स्पेशली पेरिस में बहुत टाइम लेते हैं अपॉइंटमेंट देने के लिए या फिर एक रिप्लाई करने के लिए आपके ईमेल को, या आई डोंट नो, बहुत टाइम लगता है हर चीज़ में यहाँ पे, जस्ट एक रिप्लाई के लिए। एंड फिर ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, ये सब देना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रीफेक्चर्स होते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर खूब लंबी लाइन लगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जहाँ पहले रहती थी उस जगह का प्रीफेक्चर है रेंसी प्रीफेक्चर। वहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट पूरा दिन लगता था। हमारे जैसे कितने सारे इंटरनेशनल लोग रहते हैं यहाँ पे, इंडिया के ही नहीं, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के, और सबके साथ यही होता है। तो एग्ज़ाम्पल ऐसा रख लीजिए कि अगर आपको फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती तो क्या होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सब की वजह से बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगी हैं और आई थिंक प्रीफेक्चर में इतने लोग नहीं हैं काम करने वाले, या वो परेशान हो गए इतने सारे लोगों के चक्कर में, या फिर शायद गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा सोचा है स्टूडेंट्स के लिए कि अब उन्होंने क्या किया है, ये एक वेबसाइट निकाली है जिसका नाम है ANEF, एडमिनिस्ट्रेशन न्यूमेरिक पुर लेज एतरांजर ऑफ फ्रांस, इंग्लिश में डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फॉरिनर्स इन फ्रांस, दैट्स इट। ये वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड यहाँ वीडियो में भी आपको दिखेगा। एंड मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी स्क्रीन को कि वो वेबसाइट कैसी दिखती है, कैसे आप चेक कर सकते हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो या फिर इन एनी अदर कंट्री, या फिर आप फ्रांस में हैं, आपको प्रीफेक्चर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑन होल्ड हैं, आपको कुछ अपडेट नहीं मिल रही है। देखते हैं कि ये वेबसाइट कैसी दिखती है, कैसे हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं उस पर, एंड कैसे हम अपना टाइम प्रीफेक्चर जाने से बचा सकते हैं। हाँ जी, तो ये है ANEF की वेबसाइट। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको ये दिखेगा एतरांजर ऑफ फ्रांस, दैट इज फॉरेनर्स इन फ्रांस। एंड इफ यू जस्ट गो ऑन द राइट साइड, आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये ढंग से कन्वर्ट हो नहीं रहा है। सो वॉट विल डू इज, हम इसको सिर्फ राइट क्लिक करिए एंड ट्रांसलेट टू इंग्लिश करिए। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे है आई वैलिडेट माई VLS TS, ये स्टूडेंट वीज़ा है जो आप अपनी कंट्री से अप्लाई करते हो फ्रांस के लिए, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म स्टूडेंट वीज़ा मिलता है आपको। ये है रेसिडेंट परमिट के लिए सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर अ फर्स्ट परमिट विदाउट अ फॉरन नंबर विदाउट अ वीज़ा। दिस वन इज जो यहाँ पे बहुत टाइम से है एंड नाउ जो भी एलिजिबल है फ्रेंच नेशनैलिटी, फ्रेंच सिटीजन बनने के लिए, उनके लिए ऑप्शन है। दूसरा ये है वर्क परमिट, अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब ऑफर है और आप इंडिया में हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हैं। ये डिक्लेयर अ चेंज, आप अगर एड्रेस चेंज हुआ या कुछ भी डिटेल्स चेंज हुई है उस रिलेटेड, एंड ये रिलेटेड टू कुछ डॉक्यूमेंट है। लेट्स सी, आई एम अप्लाइंग, तो एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं, आई एम अप्लाइंग फॉर और रिन्यूइंग अ रेसिडेंट परमिट। तो ये आप यहाँ पे हैं ऑलरेडी, अगर आपका एक साल का वीज़ा ख़त्म हो गया और आप रिन्यू करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए है। तो लेट्स सी कि आगे भी ये इंग्लिश में ही आएगा कि नहीं। नाउ इट सेज 16 इयर्स अ माइनर, नहीं, आप क्या हो, आपके पास ऑलरेडी एक वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा, या फिर लॉन्ग स्टे वीज़ा, या फिर एक आपके पास फॉरेन नंबर है विदाउट अ रेसिडेंसी परमिट। इफ आई क्लिक दिस, ये अब मुझे एक्स्ट्रा डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। ये मेरे पास नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अपना वीज़ा नंबर यहाँ डालोगे, अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो उस पर राइट हैंड साइड पे आपको एक वीज़ा नंबर दिखेगा ऊपर, वो उसका स्टार्ट डेट, उसका एंड डेट, और आप उसके साथ एक अकाउंट बना सकते हैं। एंड अगर हम
माइनर पे करते हैं तो फिर उसमें आपको लीगल गार्डियन पूछेंगे। तो आप जैसे देख रहे हो हमारे पास एक नंबर एटलीस्ट होना चाहिए। यू सी, ऐसी ही रेंडमली उठ के हम अप्लाई नहीं कर सकते। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है बट मुझे उसका आईडी पासवर्ड याद नहीं, तो मैं वो आपको बता नहीं सकती। हाउएवर, लेट्स गो बैक एंड क्लोज दिस टैब। तो देखो मैंने एक और टैब ओपन करके रखा था जिसमें ये आपको दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ में आपकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, सेम प्रिंसिपल, जस्ट चेंज इट टू इंग्लिश। अगर आपको फ्रेंच फ्लुएंट आती है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस हैं, व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, मोस्टली एज एन यू नो स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी हियर और हु वांट्स टू कम हियर, हमारे लिए यही वाला जो पेज है एडमिनिस्ट्रेशन एत्रांजेर ऑफ फ्रांस interior.gov.fr, यही मेन पेज है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ये आपको वीज़ा वैलिड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे भी आपको वीज़ा नंबर मांग रहा है। तो इन शॉर्ट ये एक जगह है जहाँ पे आप आराम से बैठ के ध्यान से सब डिटेल्स फिल कर सकते हैं एंड देन आपको कोई भी प्रिफेक्चर या वीज़ा ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होपफुली। तो जैसा आपने अभी ये जो वेबसाइट पे देखा, इसमें डिटेल में मैं आपको और नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक यू नो वेरिफिकेशन नंबर या आपका वीज़ा नंबर पूछ रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये नंबर है, आप यहाँ पे हैं और आप अपना वीज़ा रिन्यू कर रहे हैं, तो उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पहले तो अपना अकाउंट बनाइए एंड देन आप उस पे चेक करिए कि उसका स्टेटस क्या है। उसमें आप चैट भी कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट पे या फिर शायद आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इस फीचर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमें ही होने वाला है, एज अ फॉरेनर हमको होगा, क्योंकि आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रिफेक्चर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रेंच आ रही है या नहीं किसी को लेके जाना पड़ेगा साथ में वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको स्कूल बंक नहीं करना पड़ेगा, आप इंडिया में भी रह के ये कर सकते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे उनको भी थोड़ा यू नो रिलैक्स फील होगा, उनको भी टेंशन नहीं होगी कि इतने सारे लोग आ गए हैं। एंड अगर आपको आगे ज़्यादा बात करनी है, डिस्कशन करना है, तो फिर एज यू नो कि प्लीज़ एक कॉल मेरे साथ आप स्केड्यूल कर सकते हैं। वेबसाइट ये है, लिंक भी यहाँ है और डिस्क्रिप्शन में भी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको इस पर और नॉलेज है तो आप प्लीज़ मेरे साथ और बाकी सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट में जाके अपने कमेंट्स एंड सजेशंस लिख दीजिए एंड विद दैट नोट साइनिंग ऑफ। Bye.